क्या हुआ था? कुछ नहीं, थोड़ी लड़ाई झगड़े हो गए तो उसकी वजह से मेरे बाल। किन्होंने काटे हैं आपके बाल? क्या नाम है उनका? मोहम्मद गनी। कहाँ रहते हैं आप? चक्कर की मिला। कब से की बात चल रहा था आपका अपने पति से? जब तक 3 महीने हो गए। क्या नशा बसा भी करते हैं? नहीं, करते कुछ गलती मेरी थी। हाँ, तो मेरी गलती की वजह से होती है। तो आज क्या हुआ है? आज कुछ नहीं, बस मैं डिवोर्स चाहती हूँ। नशा के बाल काटे थे, ये भी बात सामने आई है। आपको नशा भी पिलाया था क्या? कराया था आपको क्या? नहीं, मुझे नशा नहीं कराया था, वो खुद करते थे। आपने इसकी शिकायत कर ली पुलिस से? हाँ, मेरी हो गई। ये कब की घटना है? 17 तारीख। कैसे काटे आपके बाल, आपको पता नहीं चला क्या? जी क्यों, क्या जरूरत पड़ी आपको बाल काटने की, क्या वजह थी? जी मैंने अभी बात बताई तो है भी। जी क्या वजह? इसका एक सागर नाम के लड़के का अफेयर था, उसके साथ मैंने तो पकड़ा, मोबाइल में बात करते रहे, बात पकड़ते पकड़ने के बाद में फिर जो है ये दो दिन के लिए चली गई। फिर मैंने रखा बुला के सागर के साथ। अब बताइए, मैं मोमदन हूँ, वो सागर है, बड़े 5 बच्चे हैं, बताओ उनको कौन संभालेगा? और क्या नाम है, फिर मैंने रखा, फिर उन्होंने फोनबाजी करी, फिर रखा एक से एक दफ़ा और गलती करी, फिर भी रखा। अब 3 दिन पहले फिर मैंने इनका मोबाइल पकड़ा उसी से बात करते हुए, लेकिन अब जो है फिर मैंने इनको अपनी भी सजा देने जा रहा था, मैं अपने भी हाथ पैर काटने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने जो है वो इनके गलती है मेरी है, मैंने इनके बाल काटे। अच्छा, ये जो बाल काटे हैं आपने, इन्हें सजा दी क्या था? जी सजा के बल बोध हुए मैंने बाल काटे इनके, लेकिन ये मेरी गलती है, मैं इस गलती की माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा के बाद में कोई ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन हम आपस में अब एक साथ रहना चाहते हैं, मेरे 5 बच्चे हैं। अब आप कहाँ आए जी? अब इस समय कहाँ पे आए? महिला थाने में। क्यों आए आप यहाँ पे? ये समझौता करने के लिए। ठीक है, ठीक है। उसकी पत्नी में जो है कुछ विवाद हो गया, जिस संबंध में जब दोनों को बुलाकर थाने पर बातचीत की गई, तो उस पत्नी के द्वारा जिसने एप्लीकेशन दी थी उसके द्वारा बताया गया कि हम दोनों आपस में समझौता हो गया, कोई विवाद नहीं, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं।